आज का दिन बेहद खास है क्योंकि देश भर में धूमधाम से धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। आज के इस खास दिन पर आज हम आपको बताएंगे धनतेरस का महत्व, इससे जुड़ी मान्यताओं और परंपराओं को आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति राघव और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। धनतेरस, जिसे संस्कृत में धन त्रयोदशी कहा जाता है, दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व का पहला दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाए जाने वाला यह पर्व स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख का प्रतीक है। इस दिन माँ लक्ष्मी, जो धन और संपत्ति की देवी मानी जाती है, और भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद और आरोग्य के देवता हैं, उनकी पूजा की जाती है। वहीं इस त्योहार का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को स्वास्थ्य और समृद्धि का पर्व माना जाता है। वहीं इसके साथ हमारे देश में एक परंपरा भी जुड़ी हुई है। लोग इस दिन सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन और धातु की वस्तुएं खरीदते हैं, जिससे उनके घरों में मां लक्ष्मी का वास होता है और साल भर खुशहाली बनी रहती है। इस दिन की एक और परंपरा है कि लोग अपने घरों के द्वार पर दीप जलाते हैं, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं आज धनतेरस के साथ दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। खरीदारी के लिए आज सुबह 9 से रात 8:55 तक 2 मुहूर्त है। इनमें हर तरह की खरीदारी, निवेश और नई शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही त्रिपुष्का योग भी बन रहा है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कामों का 3 गुना फल मिलता है। शाम को भगवान धन्वंतरी, कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा होगी। वहीं इस साल दीप पर्व 5 नहीं बल्कि 6 दिन का रहेगा, क्योंकि कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को 1 नवंबर को 2 दिन रहेगी। तो दर्शकों, इस धनतेरस पर हम यही कामना करते हैं कि मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।